साइबर सिटी गुरुग्राम में सोहना कस्बा के नूह मार्ग पर बने एक होटल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस की रेड पड़ी और मौके से 3 युवतियों सहित आधा दर्जन लोगों को आपत्तिजनक हालत में काबू किया गया। पुलिस की माने तो काफी समय से सरयाम वैश्यावृत्ति के काले कारोबार की शिकायतें मिल रही थीं, जिसकी सूचना पाकर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर बड़ी कार्रवाई की। फिलहाल पुलिस ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। इन्फॉर्मेशन मिली थी कि सोना नू रोड पे एक साथ ओयो रेजिडेंसी है, इसमें अनैतिक देवा प्यार का कार्य किया जा रहा है। काफी दिनों से सूचना मिल रही थी तो आज हमने एक रेडिंग पार्टी तैयार की है, तो इसमें हमने छापामारी की। इस छापामारी के दौरान हमें 3 मेल और 3 फीमेल सस्पेक्टेड हालत में हमें मिले हैं और उनके खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज कर दिया। किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ? ये अनैतिक व्यापार है, इमोरल ट्रैफिक एक्ट के सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7 एक्ट, इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956 के। तो कार्रवाई आगे भी चलेगी? हाँ, अभी तफ्तीश इसकी जारी। थाना प्रभारी रमेश कुमार के मुताबिक पुलिस को इत्तला मिली थी कि सोहना अलवर रोड पर स्थित साद रेजिडेंट पर बने हुए ओयो रूम में देह व्यापार का धंधा चल रहा है। इसी दौरान पुलिस ने एक नकली ग्राहक बनाकर रेजिडेंट के मैनेजर के पास भेजा और उससे एक लड़की के लिए डिमांड की, जिस पर उसने लड़की को पेश किया। इस दौरान पुलिस ने मौके पर छापा मारकर कमरे से 6 युवक युवतियों को रंगरलियां मनाते हुए अलग अलग कमरों से काबू किया, जिनके कब्जे से सेक्स वर्धक गोलियां सहित अन्य सामान बरामद किया गया। बहरहाल पुलिस ने सभी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की गहनता से तफ्तीश की जा रही है। सोहना से सतीश राघव, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।